एज ए एडवोकेट आप क्या कहते हैं कि ये जो ढाबे वालों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं इसके तहत ये कोर्ट जाए तो कोई फायदा होगा? ये कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं होगा इसमें। तो ये जो रास्ता बंद किया जा रहा है धीरे धीरे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया वालों का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर वो एप्लीकेशन के जो नॉर्म्स और तरीके इन्होंने बनाए, करप्शन आएगी और क्या, इसमें करप्शन होगी। जो वहाँ पे फील्ड ऑफिसर होंगे जो जाएंगे सड़क को चेक करने के लिए, वो पैसे खाएंगे या शरेआम खाएंगे, पैसे क्या करोगे आप? तो जब कानून बन रहा था तभी उनको पता नहीं था, जब बन गया तब भी पता नहीं था। आज देखिए हम 2021 में बैठे हुए हैं जून में, और 26 जून 2020 का ये कानून है, किसी को पता ही नहीं है। ये जब उनको नोटिस जाएगा ना पता चलेगा फिर, अब क्या करेंगे, ये नोटिस जो करेंगे उनको ढाबों को। तो ये बताइए कि क्या ये जो लॉ बना था क्या ये फर्ज नहीं था कि जो ढाबे वाले के रास्ते बंद किए जा रहे हैं जिनको पता नहीं है, पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे करोड़ों लोगों का जो रोजी रोजगार चल रहा है, चाहे वो ढाबा मालिक हो, चाहे रेस्टोरेंट मालिक हो, चाहे छोटे मोटे व्यापारी हो, उनके नॉलेज में तो अभी तक ये है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर इन्होंने लॉ पास करना था ना, ये जो अब इशू करा अभी गाइडलाइंस, तो मैं ये कहता हूँ कि ये इनको पहले इनसे डिस्कस करना चाहिए था, ढाबे वालों से या इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव कोई होंगे उनसे बात करते कि भी हम ये करने जा रहे हैं, आप बताओ क्या सजेशन देती हूँ, उनके कम से कम सजेशन तो ले लेते। जब भारत के अन्नदाता से उनके कानून के लिए नहीं पूछा तो ढाबे वाले से पूछने जाएंगे? देखो जी, लेना तो चाहिए था, ना कर दो चाहिए क्या? तो बहुत कुछ चाहिए था, संविधान को ताक पे रख के जब कानून पास हो जाता है तो क्या करेंगे आप? देखो मैं तो ये कहूँगा कि उनको ये लेना चाहिए था, बाकी जो सरकार की मर्जी क्या करे क्या ना करते वो किसी सुने ना सुने क्या कह सकते हैं। कौन होगा इन करोड़ों लोगों की बेरोजगारी का जिम्मेवार? कुछ भी नहीं, भूखे मरेंगे क्या करेंगे, ये हाईवे पे अब क्या लूट फूट होगी। देश की जनता का भविष्य देख लीजिए कि कानून पास हो जाता है और करोड़ों लोगों की रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ कानून, हवा नहीं निकलती और उनको उस बात की हवा नहीं निकलती। मुद्दा आज का ये है कि आखिर में मुझे ये बताइए कि इस कानून के हिसाब से क्या किसी आम आदमी के बूते की बात है कि वो हाईवे के अंदर में जिसका ढाबा चल रहा हो वो रास्ते के लिए और राइट ऑफ वे की जो ये बात कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकता है उसके बूते की? जो एक गरीब आदमी है ना उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हैं वो इसमें दी हुई है रिक्वायरमेंट, मगर वो जो एक ऑर्डिनरी आदमी जो एक गांव के गांव में अपना ढाबा चला रहा है मेन रोड पे, उसके तो समझ से बाहर है। समझ से बाहर है और फीस भी जो स्ट्रक्चर फीस तो अलग है, फीस स्ट्रक्चर तो अलग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड्स है, ये सारा कुछ है, वो कहां से करेगा मुझे ये नहीं समझ आई। उनमें ऑलरेडी पत्थर लगाया जा रहा है इसी लॉ के हिसाब से, इसी से पत्थर इन्होंने लगाया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो आके हमारे पास आए, हमारे लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और हम उनसे पैसे उगराएं। बिना लाइसेंस के इन्होंने ये कर दिया कि आप ढाबा चला नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार, कल हमने आपको एक जानकारी दी थी कि किस तरह से नेशनल हाईवे पे जितने ढाबे हैं, चाहे रेस्टोरेंट हैं, चाहे किसी भी तरह के जो इंस्टीट्यूशंस और भी हैं, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, फ्यूल पंप्स हो, किसी भी तरह की आप जो कमर्शियल एक्टिविटीज अगर चल रही है नेशनल हाईवे के ऊपर में, उसके लिए 26 जून 2020 को जो नया कानून लाया गया जिसके ऊपर हमने आपको बताया था कि किस तरह से जितने भी छोटे मोटे ढाबे हैं नेशनल हाईवे के ऊपर पूरे भारतवर्ष में वो ढाबे बंद हो जाएंगे और जिसके तहत करोड़ों लोगों की रोजगार खत्म हो जाएगी। सेफ्टी का नॉर्म्स बताया जा रहा हो, चाहे सीमलेस ट्रैफिक की बात हो, ये सब समझ में आता है, लेकिन 26 जून 2020 को जो ये कानून लाया गया तो क्या इसके बारे में किसी को पता चला? नहीं पता चला। मैं इसी कानून को अपने साथ लेकर के जो नया ये कानून 26 जून 2020 का है मैं पहुंचा हूं। सीनियर एडवोकेट मंजीत सिंह बुटालिया हैं ये, और बहुत सारे नामचीन केसों से के साथ जुड़े रहे हैं, ये बहुत सारे नामचीन केसों को किया है इन्होंने। बुटालिया साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मेहरबानी जनाब। और मैं चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा एक मसला मुद्दा जो लोगों के नॉलेज में नहीं था, हाईवे पे जो ढाबे के रास्ते बंद किए जा रहे हैं खास करके, और जितने भी एमिनिटीज हैं हाईवे पे छोटे मोटे सबके, जो रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं सब बंद किए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है उसको लेकर के जब मैंने इसको निकाला और जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि हाईवे पे शायद एक भी ढाबा बचेगा नहीं, शायद आने वाले टाइम में जो मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट कंपनीज होंगे वही इसके जो कानून के अंदर जितना लिखा हुआ उसको फुलफिल कर पाएंगे। आपने इसको पढ़ा है और आपको मैं चाहता हूं कि दर्शकों को आप ये बताएं कि किस तरह से ये कानून लोगों को जो खासकर रोजगार कर रहे थे हाईवे के ऊपर में उनको कैसे इफेक्ट करने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उस पर।
सबसे पहले मैं ये जो इन्होंने ये इशू करे गाइडलाइंस, मैं एक पहले इससे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन था यहाँ पे इंडिया में, पूरे सारा इंडिया बंद था, पहले तो इन्होंने 7 मई को वो जो लॉज लेके आए हैं फार्मर्स के अगेंस्ट, इन्होंने पास करा के कितने करोड़ जो हैं वो जो फार्मर्स हैं उनको अफेक्ट करता था। फिर इनको क्या सोच में आ गई एकदम ही कि कुछ दिनों के बाद जब लॉकडाउन है तो ये जो इन्होंने गाइडेंस नहीं जारी कर दी, और जब नई जो इन्होंने जारी करी हैं जो गाइडलाइंस, इसमें इन्होंने ये नहीं देखा कि जो ढाबे पे, मैं मालिकों की बात में बात करता हूँ, मैं मालिक के पास फिर भी पैसा होगा, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं ढाबों पे, उनके लिए क्या इन्होंने कुछ सोचा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हम ये पास कर रहे हैं, इनके लिए क्या रोजी रोटी का क्या साधन होगा। नंबर टू, वो जो लेबर है वो ये तो है नहीं कि वो शहर में बैठी है, ये काम छोड़ कर दूसरा काम कर लेगी, वो जो लेबर है वो गांव में रहने वाली है, जब उनको नौकरी से निकल जाएंगे वहाँ से, जो ढाबे सड़कों पे बने हैं, तो गांव में उसको कहाँ से मिलेगी बेचारे को क्या अपना एम्प्लॉयमेंट। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार का ये जो स्टेप लेना था, अगर लेना भी था तो जब नॉर्मलाइज हो जाता सारा कुछ, और जब हम दूसरी फॉरेन कंट्री के जो स्टैंडर्ड हैं एम्प्लॉयमेंट का ले लो, जो डेवलप कंट्रीज़ में जैसे जो उनका स्टेटस है इंसान का, जब वो हमारा आ जाए तभी ये एक्ट पास करते तो बात भी थी, ये जो नोटिफिकेशन करे हैं। हमारे पास गरीबी का जो इंडेक्स है इतना ऊंचा है कि ये मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन इशू करा है, जो गाइडलाइंस है, अभी इनको गाइडलाइन फाइल नहीं करनी चाहिए थी, अगर इतने साल इन्होंने वेट कर लिया है, क्योंकि ये जो एक्ट इन्होंने 2013 में पास करा था, तो एकदम इनको क्या ख्याल आ गया 7 साल के अंदर अंदर हम ये कर दें। 2013 वाले को तो अमेंड किया है इन्होंने, उनको अमेंड करा है उसको, मैं वो कह रहा हूँ ना, अगर ऐसे चल रहा था चलने देते, अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं गाइडलाइंस की अभी तक, इसको देख के कि ये जो क्या नाम है कि हमारे मुल्क की क्या हालत है, सारा कुछ बंद पड़ा है, सारे इंस्टीट्यूशन बंद पड़े हैं। मैं और एंगल से देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये जो इसके पीछे क्या सोच क्या है, ये चाहते हैं कि फैसिलिटीज़ क्रिएट करी जाए, जैसे फॉरेन कंट्री में है, इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है गाइडलाइंस में कि हम फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी है। वो फैसिलिटीज़ कैसी होती है कि उसमें मोटल भी है, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, पेट्रोल पंप भी है, रिक्रिएशन की जगह भी है, वो सारी चीज़ें बनाने चाहते हैं। ये कि वो हर 30-40 किलोमीटर पे बाद ये वो जो फैसिलिटी होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक ऑर्डिनरी आदमी ये फैसिलिटीज़ क्रिएट कर सकता है, इसके लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए। ट्रैवल इंडस्ट्री मैं कहूँगा इसको, ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है, ये सरकार ये चाहती है कि उनके पास चला जाए जिनके पास पैसे हैं ज़्यादा, कॉर्पोरेट हाउसेस के पास। सर सर एक सवाल यहाँ पे मेरा ये है कि मुद्दा अभी ये है कि जितने नियम कानून इन्होंने लिखे हैं इसमें, क्या एक आम आदमी उसको पूरा कर सकता है? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये जो हैं जो इन्होंने बनाए हैं, ये चाहते हैं कि उनके पास चला जाए। क्यों? कि जो एक गरीब आदमी है जिसके पास छोटा सा ढाबा है, जिसके पास 25-30 बंदे काम करते हैं, उससे भी कम करते हैं, उसके पास इतना पैसा होगा कि वो अपने लिए ये फैसिलिटी क्रिएट कर सके? सरकार को जो इन्होंने कंडीशन लिखी हैं, जिस किस्म की कंडीशन लिखी हैं कि भी, फिर वो क्या है कि वो भी कंडीशन जो है बाय ऑनलाइन है। हम मुझे बताइए कि हमारे कितने बंदे हैं जो ये गांव वाले जिन्होंने ये ढाबे खोले हैं, उनको ऑनलाइन पता होगा ये सारा जो इन्होंने बोला है, ये ऑनलाइन करना है सारा, ये नहीं है कि किसी दफ्तर में जाना है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक गरीब आदमी है जो रोज़ की रोटी कमाने वाला है या जो मदद कर रहा है गरीबों की थोड़ी बहुत ही, वो क्या करेगा? उसके पास तो कुछ भी तरीका नहीं रहेगा, उसको जो ढाबा बंद करना पड़ेगा, भूखे बनेंगे सारे। फिर एक और है, ये कहते हैं कि उसके लिए हमें वो चाहिए, उनको
जो क्या नाम है साइड रोड चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। अब जब पहुँचने के लिए सड़क चाहिए उसका भी इन्होंने डायमेंशन लिखे हुए हैं कि कितने, एक तरफ से 70 मीटर है और एक तरफ से 100 मीटर है। उसको बनाने का खर्चा कौन करेगा? जो अप्लाई करेगा ढाबे के लिए या फैसिलिटी के लिए अप्लाई करेगा। तो फिर वो जो सड़क बनेगी भी ना, वो किसकी निगरानी के नीचे बनेगी? ये जो अथॉरिटी है, जो ये नेशनल अथॉरिटी है, उसके नीचे, उसकी निगरानी के नीचे बनेगी और उनके प्लान के मुताबिक बनेगी। अगर वो खुदा ना खास्ता अगर उससे नहीं बनती तो जो उसने सिक्योरिटी 2.5 लाख रुपया जमा कराई है सिक्योरिटी, वो उसकी जब्त हो जाएगी। उसके अलावा उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा 2.5 लाख का हर साल का जो है, उसको उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा 2.5 लाख का पहले। उसके बाद हर साल जो है 5% उसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। अगर आज कोई अप्लाई करेगा ढाबे वाला या और कोई फैसिलिटी वाला कि जी मुझे ये मेरे से ये एग्रीमेंट करा जाए, लाइसेंस दिया जाए, तो उसको 2.5 लाख नहीं देना पड़ेगा, उसको 12,500 और ऐड करके देने पड़ेंगे। कैलेंडर ईयर से काउंट हो रहा है, 2020 का कैलेंडर ईयर खत्म हो जो काउंट हो रहा है वो 20 से हो रहा है, कैलेंडर से 20 से, मतलब जनवरी से दिसंबर वो तो निकल गया, अब वो जनवरी से 31 जनवरी तक जो है 21 का, उसको 2.5 लाख एक प्लस 5% जो 12,500 पर बनता वो देना पड़ेगा। ये जो सारा, मैं ये समझता हूँ कि एक गरीब आदमी के हक में नहीं है ये जो जो इन्होंने नोट इशू कर रहे हैं। इसके जो मैं इसको पढ़ के समझ पा रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग है उनको भी लाइसेंस लेना है, जो अपकमिंग यानी कि जो नया आएंगे उनको तो लेना ही लेना है, सर्विस रोड के लिए आपको जो जितने भी इन्होंने गाइडलाइंस लिखे हैं वो आपके सामने हैं, उसके बाद जो आपको कनेक्टिंग रोड बनाना है उसकी गाइडलाइन सामने है, कुल मिला के ये 30 लाख रुपया कौन खर्च करेगा एक आम आदमी? देखो ना, यही तो बात है इसमें, ये तो मैं कहता 30-80 लाख हो जाएगा ज्यादा। जो मेटल रोड बनाने को आसान है और पैक किसने पास करनी है? वो ये इनका जो अपना अथॉरिटी है उसने पास करनी है, वो तो आके छोटा सा नुकसान निकाल देंगे, फिर क्या करोगे आप? तो आप देखेंगे अप्लाई के लिए 10,000 रुपए दो, अप्रूवल का 10,000 रुपए दो, 20,000 अलग दो, फिर उसके बाद फिर वो 2.5 लाख दो, फिर जो बाकी जो, चलो हमने इनको तो माफ कर दिया है, जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको तो 2.5 लाख रुपया अलग ले रहे हैं। चलो एक बार को तो वो पूरी तेल कंपनी पेट्रोल पंप पैसे वाले हैं ना। मैम बात करें यहाँ पे सिर्फ जो रेस्टोरेंट वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे वो कहाँ से, और उनकी उनपे ऑलरेडी पत्थर लगाया जा रहा है इसी लॉ के हिसाब से, इसी पत्थर इन्होंने लगाया है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो आके हमारे पास आए, हमारे से लाइसेंस के लिए अप्लाई करें और हम उनसे पैसे उगराएं। तो अगर इन्होंने एक उसमें और भी दिया है कि अभी तो अभी ये पत्ता नहीं खोल रहे हैं, लेकिन लिखा तो हुआ है कि अगर कुछ दिन बाद वो उस पर पेनल्टी भी है, अगर कोई यूज करता पाया जाएगा इलीगल तरह से रास्ते को, तो 2.5 लाख रुपए पेनल्टी भी है सर। वो अगर कोई उसको कोई रिमूव करने की कोशिश करेगा, जो पत्थर को कोई रिमूव करने की कोशिश करेगा विदाउट लाइसेंस, अगर कोई अब अप्रोच करेगा तो उसको भी वो होगा, जो उसको बिना उसके लाइसेंस के जाएगा उसको भी पकड़ेंगे बिना लाइसेंस के। इन्होंने ये कर दिया कि आप ढाबा चला नहीं सकते। अच्छा बुटलिया साहब, देखिए जो दलील दी जा रही है इसके पीछे वो सीमलेस ट्रैवलिंग और एक्सीडेंट की दी जा रही है। सवाल ये है कि सेफ्टी जरूरी है, सब कुछ है, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ, लेकिन हमारे देश की जो अभी रोजगार की कंडीशन है, बेरोजगारी जिस कदर से रिकॉर्ड तोड़ है, उसमें जो इसके थ्रू अब बेरोजगार होंगे करोड़ों लोग, भारतवर्ष के पूरे ढाबे के लोग, उनके लिए क्या सोचा गया? देखो जी, सवाल ये पैदा होता है जब भी कोई सरकार काम करती है ना, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि अगर आपने किसी को किसी किस्म का कोई अफेक्ट कर रहा है कोई लॉ, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव जो है ना, कोई तरीका सोचा जाता है कि भी अगर वहाँ से उसको नुकसान हो तो उसको वहाँ एडजस्ट करा जाए। अब इन्होंने
जो ये इतने हजारों लाखों जो बेचारे जो कर्मचारी हैं वो जब वहाँ से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सरकार ने तो उनके लिए कुछ सोचा ही नहीं। नहीं तो जब कोविड से पहले ही हमारे देश की बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर थी, कोविड के बाद तो एकदम इतना बुरा हाल हो गया है कि मतलब 50 साल की बेरोजगारी के रिकॉर्ड ऑलमोस्ट टूट गई है। उसके बाद जो ये आ रहा है इससे कितने करोड़ लोग बेरोजगार होंगे पूरे भारतवर्ष में। जो एक्सीडेंट का हवाला दिया जा रहा है, अगर एक्सीडेंट से अगर जो कहते हैं कि खतरा है सब कुछ है, लेकिन भूखमरी से जो मरेंगे उनका हिसाब कौन देगा, जो बेरोजगारी से मरेंगे उनका हिसाब कौन देगा, जो बेरोजगार होकर जिसके परिवार नहीं चला पाएगा वो कहां जाएगा, वो क्या करेगा? क्योंकि जो डेवलप कंट्री का मैं बार बार कहता हूं कि एग्जांपल दिया जा रहा है, उस डेवलप कंट्री में अगर बेरोजगारों को भत्ता दिया जा रहा है, यूएसए वगैरह में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है उनको $1,000, $2,000, $3,000, तो अगर भारत में अगर ₹1,000 भी बेरोजगारी भत्ता देना पड़े पर महीना, तो क्या यह सरकार करोड़ों बेरोजगार को ₹1,000 महीना बेरोजगारी भत्ता दे सकती है? देखो जी, बाहर जो मुल्क हैं, अगर आपको जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कोविड है, कोविड में जो जिनको अनएम्प्लॉयड हुए हैं उनको सरकार ने उनको अलाउंस दिया है कई हज़ार डॉलर्स में और कई हज़ार पाउंड्स में दिया है, ताकि ये उनको किसी किस्म की कोई कमी ना पड़े। या तो ये ऐसे करें कि इन्होंने कोई, मेरे हिसाब से इन्होंने आज तक कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया कि इन्होंने देखा है कि कितने वहाँ पे वर्कर हैं काम कर रहे हैं ढाबों पे, कितने ढाबे हैं, ये इन्होंने मेरा ख्याल है आज तक कोई इन्होंने कोई स्टडी करके कोई इन्होंने कोई डाटा नहीं तैयार करा। तो इनको सरकार को बेरोजगारी के लिए कोई भत्ता देना ही थोड़ी देना पड़ता है, वो तो जिसको चाहे उठा के बेरोजगार कर दो, क्या फर्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सेफ्टी एंड सीमलेस ट्रैवलिंग तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से कितने करोड़ लोगों को इफेक्ट करेगा? नहीं, मैं एक और चीज आ रहा हूँ, ये कहते हैं यहाँ कि वो एक्सीडेंट सीमलेस हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने कोई ऐसा डाटा तैयार करा है कि ये जो कहते हैं ना कि जो इनके ऊपर आना सड़क पे आ रहे हैं, मेन पे आ रहे हैं, तो इसकी वजह से कितने एक्सीडेंट हुए आज तक, कोई इन्होंने डाटा कलेक्ट करा है? जो ये कह रहे हैं कि हम ये स्लिप रोड हो, डिसएक्सलरेट फिर एक्सलरेट हो, वो इसकी वजह से वो जो हमने ये कट बंद कर दिया कि एक्सीडेंट ना हो, मैं ये कहता हूँ कि सरकार ने कोई ऐसा डाटा तैयार करा है कि इस वजह से, जिस वजह से ये बना रहे हैं उस वजह से कितनी एक्सीडेंट हुए हैं? मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि हर, अब सरकारी आंकड़ा ले लीजिए, जो 14-15 हज़ार किसान जो सुसाइड कर रहे हैं इनकी वजह से, इनके कानून की वजह से, नीतियों की वजह से, आज की सरकार नहीं पुराने सरकार की भी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए इन्होंने कुछ किया? आज किसान 7 महीने से रोड पे बैठे हुए हैं, 500 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो गई, उनके लिए उसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन सिर्फ एक्सीडेंट का हवाला दे करके और करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दो, ये कौन सा नियम कानून है? मैं ये नहीं, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मैं इसके साथ एक और ऐड करना चाहता हूँ कि इन्होंने कोई डाटा तैयार करा है कि कोई डेथ कितनी डेथ हुई है? ये सरकार कानून बनाने से पहले किसी को कुछ बताती है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई डाटा इनके पास होना चाहिए। नहीं, इसमें भी ये सीमलेस ट्रैवलिंग की बात ट्रैवलिंग है, कोई एक्सीडेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक्सीडेंट की बात नहीं लिखी है ना उसमें, इसमें कोई एक्सीडेंट नहीं है, फिर इन्होंने कोई डाटा नहीं कलेक्ट करा एक्सीडेंट का, तो फिर ये कैसे कह रहे हैं सीमलेस का? मुद्दा आज का ये है कि आखिर में मुझे ये बताइए कि इस कानून के हिसाब से क्या किसी आम आदमी के बूते की बात है कि वो हाईवे के अंदर में जिसका ढाबा चल रहा हो वो रास्ते के लिए और राइट ऑफ वे की जो ये बात कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकता है उसके बूते की बात? देखो जी, जो एक गरीब आदमी है ना उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, जो इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी है वो इसमें दी हुई हैं रिक्वायरमेंट, मगर वो जो एक ऑर्डिनरी आदमी जो एक गांव के गांव में अपना ढाबा चला रहा है मेन रोड पे, उसके तो समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। और फीस भी जो स्ट्रक्चर तो अलग है, फीस स्ट्रक्चर तो अलग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिंग रोड्स है, ये सारा कुछ है, वो कहां से करेगा, मुझे ये नहीं समझ आई। तो ये बताइए कि क्या ये जो लॉ बना था क्या ये फर्ज नहीं था कि जो ढाबे वाले के रास्ते बंद किए जा रहे हैं जिनको पता नहीं है, पूरे भारत के नेशनल हाईवे पे करोड़ों लोगों का जो रोजी रोजगार चल रहा है, चाहे वो ढाबा मालिक हो, चाहे रेस्टोरेंट मालिक हो, चाहे छोटे मोटे व्यापारी हो, उनके नॉलेज में तो अभी तक ये है ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये अगर इन्होंने लॉ पास करना था ना, ये जो अब इशू करा है अभी गाइडलाइंस, तो मैं ये कहता हूँ कि ये इनको पहले
इनसे डिस्कस करना चाहिए था, ढाबे वालों से या इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव कोई होंगे उनसे बात करते कि भी हम ये करने जा रहे हैं, आप बताओ क्या सजेशन देती हो, उनके कम से कम सजेशन तो ले लेते। जब भारत के अन्नदाता से उनके कानून के लिए नहीं पूछा तो ढाबे वाले से पूछने जाएंगे? देखो जी, लेना तो चाहिए था, ना कर दो चाहिए क्या? तो बहुत कुछ चाहिए था, संविधान को ताक पे रख के जब कानून पास हो जाता है तो क्या करेंगे आप? देखो मैं तो ये कहूंगा कि उनको ये लेना चाहिए था, बाकी जो सरकार की मर्जी क्या करे क्या ना करते वो किसी सुने ना सुने क्या कह सकते हैं। कौन होगा इन करोड़ों लोगों की बेरोजगारी का जिम्मेवार? कुछ भी नहीं, भूखे मरेंगे क्या करेंगे, ये हाईवे पे अब क्या है, लूट फूट होगी, कोई काम होगा नहीं उनके पास, काम होगा नहीं और क्या करेंगे। लेकिन सवाल तो यह है सर मेरा फिर से कि ये जो इतना बड़ा कानून और इस 26 जून 2020 को पास कर दिया जाता है और लोगों को पता नहीं है, जो बेचारे गरीब है उस पर ये छुपा के रखा गया जानबूझ के। इन्होंने तो वो कौन सा डिक्लेयर करना था, वो तो क्योंकि वो एक्ट पार्लियामेंट का इसलिए पता चल गया जो उसके फार्मर के लॉ थे, ये तो अंदर अंदर दफ्तर का ही काम था, ये किसी को क्या पता चलना था ये कौन सा मर के पार्लियामेंट का लॉ था, ये तो दफ्तर नहीं शुरू करा है। तो इस देश में मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया का काम तो है वो सामने लेके आए, मगर जो मीडिया जो इंटरेस्टेड ही नहीं है वो उनके साथ जो ये जो एंटी जो चल रहे हैं लेबर उनके साथ तो क्या कर सकते हो आप। तो देश की जनता का भविष्य देख लीजिए कि कानून पास हो जाता है और करोड़ों लोगों की रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ कानून और हवा नहीं निकलती और उनको उस बात की हवा नहीं निकलती और उस बात की हवा नहीं निकलती। चलिए दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मंजीत सिंह बुटालिया जी, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं। तो एक और चीज है, अब ये जो है ना इसको हम चैलेंज भी नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, क्योंकि ये लॉ है, ये इसको चैलेंज कैसे करेंगे हम? कौन गरीब जाएगा चैलेंज करेगा? पहले तो पीएल डाले या इसको चैलेंज करे। आजकल कोर्टें भी ऐसी हैं जब जुर्माना ठोकती हैं तो देखने वाला है, पीएल में, पीएल में भी आपने देखा होगा, 5G वाले में। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन वो तो बताइए ये गरीब लोग अब करें क्या? कुछ नहीं करते, क्या कर सकते हो आप? अब तो ढाबे के अब बड़े तरीके से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में ढाबे के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, धीरे धीरे सब जगह होंगे। और चीज देखो कि अगर ये खोल भी देंगे तो जो एक्स्ट्रा उनको गाड़ी चलानी पड़ेगी, पेट्रोल का खर्चा नहीं आएगा, वो भी देखो कितना खर्चा है। बिल्कुल, मैं तो वो तो ठीक है, मैं तो वही कहता हूँ ये गाड़ी 3 किलो लाखों गाड़ियाँ चलती है, लूटर लगी है, फ्यूल की वेस्टेज है। इसको उल्टा साहब है, जितनी गाड़ी बिकी चलेंगी, जैसे शराब है, जितनी शराब बिकती है उसका फायदा किसको होता है? सरकार को। फिर जितना पेट्रोल बिकेगा वो किसको फायदा है? तो एज ए एडवोकेट आप क्या कहते हैं कि ये जो ढाबे वालों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं इसके तहत ये कोर्ट जाए तो कोई फायदा होगा? ये कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं होगा इसमें। तो ये जो रास्ता बंद किया जा रहा है धीरे धीरे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया वालों का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर वो एप्लीकेशन के जो नॉर्म्स और तरीके इन्होंने बनाए, करप्शन आएगी और क्या, इसमें करप्शन होगी। जो वहाँ पे फील्ड ऑफिसर होंगे जो जाएंगे सड़क को चेक करने के लिए, वो पैसे खाएंगे या शरेआम खाएंगे, पैसे क्या करोगे आप? तो जब कानून बन रहा था तभी उनको पता नहीं था, जब बन गया तब भी पता नहीं था। आज देखिए हम 2021 में बैठे हुए हैं जून में और 26 जून 2020 का ये कानून है, किसी को पता ही नहीं है। ये जब उनको नोटिस जाएगा ना पता चलेगा, फिर अब क्या करेंगे, ये नोटिस इशू करेंगे उनको ढाबों को। तो क्या ये हाईलाइट नहीं होना चाहिए था जो करोड़ों लोगों की? ये बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए ताकि इकट्ठे होके सरकार के ऊपर प्रेशर डालें कि कम से कम जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि इन्होंने उसमें लिखा हुआ जो एग्जिस्टिंग है पुराने उन पे भी उनको भी परमिशन लेना है, नए वाले को तो लेना ही लेना पड़ेगा। नए वालों को हम नहीं करते, हम जो पुराने कहते हैं ना कम से कम उनको तो कुछ जो कहते हैं ना कोई राहत नहीं है। कानून आपके सामने, मैं ये कह रहा हूं कानून आपके सामने कोई राहत नहीं। नए जो काम शुरू करेगा उसको तो पता नहीं कि मैंने क्या काम करना है। तो अब इसके अब कोर्ट कचहरी का भी इनके लिए रास्ता नहीं है? कोर्ट कचहरी का नहीं है, तो सरकार के ऊपर ही है कि पॉलिटिकल प्रेशर डालें इकट्ठे होके, तो ये उनको ये ले लें कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसका कोई सर्टन जो डिस्टेंस है वो वहाँ पे उनको एक्सेप्शन मिल जाए जो ऑलरेडी पुराने चल रहे थे इसके पहले 2013 से पहले। चलिए दोस्तों, ये तो सरकार की मर्जी है, लेकिन मैं आज वकील साहब के पास इसलिए आया था कि इसको और पुख्ता करके आप लोगों को वकील साहब बता सके, इन्होंने पूरी पढ़ी है,
ये 26 जून 2020 को ही ये नया कानून बन चुका है, यानी कि अमेंडमेंट किया गया था पुराने 2013 वाले कानून को, एनएचआई के जो कानून थे। और सवाल ये है कि जो करोड़ों लोगों को पता होना चाहिए था कि उनकी जो रोजी रोजगार है किस तरह से खत्म हो जाएगी, और मकसद मेरा ये भी है कि जो इस उम्मीद में बैठे हैं या आज नए ढाबे लगाने की सोच रहे हैं, कम से कम जो पुराने ढाबे वाले हैं जिनके रास्ता बंद हो रहे हैं उनका तो लॉस होता ही जा रहा होगा, और अगर ये जिस तरह का कानून है अगर रास्ता नहीं खुलता है तो वो लॉस उनका बढ़ता जाएगा। वो इस उम्मीद में कहीं ना बैठे हों कि आज ना कल हम खुलवा लेंगे। ये कानून मेरे हाथ में है, इसके तहत अगर आप परमिशन ले सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हों 25-30 लाख रुपए कम से कम कि आप जाके सब खाना पूर्ति कर सकें, तो आप सोच सकते हैं। वरना अगर आपका ढाबा का रास्ता बंद हो चुका है तो वो खुलवाना आपके बूते की बाहर है आज के वक्त में। नमस्कार।